नमस्कार, मेरा नाम पिंडू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह जो हैं वो आजकल चर्चा में हैं, और चर्चा में चुनाव भले ही हार गए हों वो तो बात है ही, लेकिन इसके बाद जो है वो एक अपनी नई पार्टी को लेकर SSP सर्व समाज पार्टी, इसको लेकर जो है पवन सिंह काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है कि पवन सिंह एक नई पार्टी का ऐलान करेंगे और 2025 के विधानसभा चुनाव में अपने तमाम कैंडिडेट्स को जो है वो चुनावी मैदान में उतारेंगे और हो सकता है कि पवन सिंह भी विधायकी का चुनाव लड़े। आपको पता होगा कि बिहार में अगर राजनीति की बात होती है तो तकरीबन जो है हर जातियों के अपने अपने एक अलग नेता हैं जो अपने कास्ट अपने जाति का नेतृत्व करते हैं। पहले हम लालू प्रसाद यादव की बात कर लेते हैं। लालू प्रसाद यादव की पार्टी जो RJD है, माना यह जाता है जो चुनावी चर्चाएं होती है उसमें ये होता है कि भाई वो यादवों और मुस्लिमों की पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, ऐसा माना जाता है। हालांकि समीकरण बदलने की लगातार बात होती है, माई बाप की बात होती है, खैर जो भी है, लेकिन ये सच है कि जातिगत समीकरण को साधते हुए RJD जो है वो चुनाव लड़ती है। दूसरा, उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा जब आए थे तो कुशवाहा वोटरों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने अपने पार्टी को बनाया, और कुशवाहा जो वोटर्स हैं वहां पर अट्रैक्ट करने के लिए वो लगातार प्रयास करते नजर आए। VIP विकासशील इंसान पार्टी, मल्लाह सन ऑफ मल्लाह नाम है उनका, मुकेश साहनी भी मल्लाह वोटरों को अवर करने के लिए मुकेश साहनी जो है वो लगातार प्रयास करते रहे और एक साहनी जाति की पार्टी जो है मुकेश साहनी की बनकर रह गए। इसके अलावा ओवैसी की पार्टी AIM की बात करें जो मुस्लिमों की राजनीति करती है, और भी तमाम नेता, जैसे कि और भी अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे नेता हैं जो अपने अपने कास्ट सिस्टम को लेकर जो है वो, जीतनराम मांझी की बात कर लें हम, जीतनराम मांझी, चिराग पासवान की बात कर लें, तो ये समाज के लोग जो है अब अपने अपने समाज को लेकर जो है वो नेतृत्वकर्ता माने जाते हैं, और इसलिए माना जा रहा है कि पवन सिंह जो है वो अपनी पार्टी बनाएंगे। तो राजपूत समाज से मुझे लगता है कि कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो राजपूत समाज का नेतृत्व करती हो। राजपूत समाज के जो वोटर्स होते हैं वो BJP के कोर वोटर्स होते हैं, BJP के लिए वोट जाती है, लेकिन पवन सिंह जब ये इस तरीके की चीज़ें बना रहे हैं, इस तरीके का प्लान बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बड़ा खेला जो है वो पवन सिंह कर सकते हैं, और 2025 में जो है वो अच्छी रणनीति के साथ अगर चुनाव लड़ें तो पवन सिंह जो हैं वो काफ़ी बेहतर भी साबित हो सकते हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, पवन सिंह अगर इस तरीके की पार्टी बनाते हैं, क्षेत्र में आते हैं, तो क्या इस समाज को अपने साथ साधने में वो सफल हो पाएंगे, इस पर अपनी प्रतिक्रिया बताइए। धन्यवाद।